Hello, creative filmmakers and actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili's Films Production in association with Bollywood Ka Hala. दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहेंगे और किस तरह से आप करते हैं, उसमें थोड़ा सा एक अलग सा चेंजेस हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। चेंजेस मतलब इन द सेंस आप एक्टिंग की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप साथ में एक सिंगिंग भी सीख सकते हैं, मतलब कि गायन। गाने से क्या होगा, कैसी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और कैसे एक्टिंग से आप उसको रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, गाने से ना आपको सबसे पहली बात उस चीज़ का मूड पता लगता है, मतलब किस तरह का फील है, किस तरह का एटमॉस्फेयर उस डायलॉग का है, प्लस आपके जो फीलिंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं, प्लस आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आवाज़ होती है वो एक बहुत अलग लेवल पर चली जाती है। इट मीन्स आप जब सिंगिंग करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह से आप अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी आवाज़ को काफ़ी उतार चढ़ाव करते हैं, जैसे कि स रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा अरे मतलब मैं तो ऐसे ही गा रहा हूँ। तो ये देखा आपने कि किस तरह से मेरी जो आवाज़ है वो ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे आई, इसका मतलब वहाँ से यहाँ। और डायलॉग्स में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो जब हम अपने डायलॉग्स में जब इस तरह से उतार चढ़ाव करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो डायलॉग्स की जो डिलीवरी है वो किस तरह से निकल कर आएगी। तो डायलॉग की डिलीवरी प्लस आपके डायलॉग का फील प्लस आपकी जो आवाज़ का जो टेम्पो है, जो जिस तरह का चाहिए आप उस तरह का बना सकते हैं, उसमें कम करना, ज़्यादा करना, उसको बड़ा करना, उसको ब्रॉड करना, उसको कम करके अच्छी तरीके से डरा डरा कर बोलना और कैसे करना, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आवाज़ में भी एक्टिंग होती है। आवाज़ इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपकी आवाज़ एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए। अक्सर आपके आवाज़ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अलग अलग वैरायटीज़ होना बहुत ज़रूरी है और हर तरह की आवाज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि आप भारी आवाज़ कर सकते हैं, पतली आवाज़ भी कर सकते हैं, और उस पतली आवाज़ में भी आप और अपने आप को बहुत अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे डायरेक्टर आपसे चाहता है, जिस तरह की आवाज़ आपसे डायरेक्टर चाहता है उस तरह की चीज़ आप उस डायरेक्टर को दे सकें, ताकि आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल नज़र आए और लोग आपको देखें, समझें और आपको पहचाने कि यार वाकई में बहुत अच्छा एक्टर है। तो मेरे ख्याल से आप इसका मकसद समझ गए होंगे वीडियो का। अगर समझ गए हैं तो आज से ही सिंगिंग करना शुरू कर दीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सिंगिंग को सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आप बाहर जाके बहुत बड़े गायक बनना शुरू कर दीजिए, नॉट लाइक दैट, जस्ट कि आप उसको सीखें कि कैसे आवाज़ ऊपर नीचे करते हैं सिंगर जो होते हैं बड़े बड़े, उनको देखेंगे, उस माहौल में बैठेंगे उठेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से वो लोग पूजा करते हैं आवाज़ की, क्योंकि आवाज़ एक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे जिसके ज़रिए आप अपनी चीज़ों को पहुँचाते हैं। अगर मैं बोलूँ नहीं तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो आवाज़ एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपकी बात सामने वाले तक पहुँचाने के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई जगहों पर कई करियर्स में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया होगा। अगर है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और उनको बता दीजिए कि www.bollywoodkahalla.com है जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, प्लस आप एक्टिंग सीख सकते हैं इस चैनल पर बॉलीवुड का हल्ला पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो चलिए इस वीडियो के लिए एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।